गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सेल करियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, देश दुनिया के खबरों पर आधारित है और ये प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। आप इसको पढ़िए और लिख लीजिए, इसके साथ जो भी इसके स्टैटिक जीके के फैक्ट बनेंगे वो भी लिखिए, तो क्योंकि करंट अफेयर से जुड़े हुए स्टैटिक जीके आपके परीक्षा में आएंगे, ये बिल्कुल श्योर है और ऐसे ही आ भी रहा है। तो पढ़ने के लिए आप इन सारे करंट अफेयर्स को और इसके स्टैटिक जीके का आप लिखते रहिए और पूरे महीने का डे बाई डे आप नोट्स बना लीजिए। चलिए आज हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे, किस देश के पूर्व कप्तान इयान मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो या T20 हो, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इयान मॉर्गन, आप देखेंगे कि इयान मॉर्गन पिछली बार 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंग्लैंड के कैप्टन थे और उन्होंने इंग्लैंड को पहली बार विश्व कप जिताया था न्यूजीलैंड के विरुद्ध। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में फाइनल मैच हुआ, तो इयान मॉर्गन इंग्लैंड के कैप्टन थे, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा इयान मॉर्गन का, ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड। बिल्कुल सही जवाब बी, इंग्लैंड के कैप्टन। लेकिन इयान मॉर्गन इंग्लैंड के नहीं बल्कि ये आयरलैंड के हैं, लेकिन ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, आयरलैंड से इयान मॉर्गन जो है आयरलैंड से है लेकिन खेलते हैं इंग्लैंड की तरफ से। इन्होंने 2019 में इंग्लैंड को पहली बार विश्व कप विजेता बनाया था, इंग्लैंड को पहली बार विश्व कप विजेता बनाया था, विजेता बनाया था। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इयान मॉर्गन के बारे में भी, इयान मॉर्गन इंग्लैंड के कैप्टन जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी, ये बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए अगला, जेनेरिक इंपैक्ट न्यूज लेटर्स के अनुसार कौन 2021-22 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बने, निम्नलिखित में से कौन ऐसा है दुनिया में सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाला एथलीट, एथलीट को हम खिलाड़ी को बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाला खिलाड़ी कौन सा है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लियोनेल मेस्सी। इसका सही जवाब हो जाएगा लियोनेल मेस्सी, है ना ए। और लियोनेल मेस्सी जो है अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, ये याद रखेंगे आप लोग, अर्जेंटीना के फुटबॉलर, ये आप याद रखिएगा। लियोनेल मेस्सी अभी देखेंगे जो फीफा विश्व कप 2022 जो कतर में हुआ था उसमें अर्जेंटीना टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, फुटबॉलर कप, जिसके कैप्टन थे यही लियोनेल मेस्सी, और इनमें इनके समय में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप सॉरी फुटबॉल वर्ल्ड कप का विजेता बना अर्जेंटीना। तो लियोनेल मेस्सी सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले एथलीट यानी खिलाड़ी हैं, ये बात याद रखिएगा। बाकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर है, ये भी ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल के फुटबॉलर है, ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फुटबॉलर है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। नोवाक जोकोविच टेनिस के खिलाड़ी है, यहां टेनिस के है ना खिलाड़ी है। और नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, देखो ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में होते हैं कि कोई खिलाड़ी किस देश का है, किस खेल से जुड़ा हुआ है, आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, पेपर से पढ़ने चाहिए, जब भी पढ़े तो ऐसे लिख लें कि कौन सा देश किस देश का है। देखो टेनिस में झंडेगाड़ एक नंबर का खिलाड़ी है, अभी उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 जो टेनिस टूर्नामेंट जो चार ग्रैंड स्लैम में होते हैं उसका पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन इन्होंने जीता, और ये सर्बिया के ये खिलाड़ी है, सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। किलियन एम्बापे, आप देखेंगे किलियन एम्बापे फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, फुटबॉलर है। तो इस तरीके से याद रखिए आप लोग, है ना, लियोनेल मेसी सर्वाधिक भुगतान पाने वाले जो है ना फुटबॉलर बन गए हैं लियोनेल मेसी। इन्होंने इस रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में 103 मिलियन की कमाई करके सबसे अधिक इन्होंने लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन की कमाई की थी, 130 मिलियन डॉलर की कमाई की थी इन्होंने,
कमाई किया था और सबसे ज्यादा भुगतान था, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरे स्थान पर लॉस एंजिल्स के लेकर्स पावर फॉरवर्ड लेब्रोन जेम्स हैं। दूसरे नंबर पर है लेब्रोन जेम्स, लेब्रोन जेम्स ये अमेरिका के हैं, ये दूसरे नंबर पर है अमेरिका के, और इनको 121 मिलियन डॉलर की इनको जो है भुगतान मिला है। सो 121 यहां कहेंगे 121 मिलियन डॉलर का भुगतान मिला है, याद रखिएगा, है ना। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात होंगी। तीसरा और चौथा स्थान क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जूनियर का है। तीसरे नंबर पर एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, और चौथे नंबर पर एक ब्राजील के फुटबॉलर है नेमार, है ना। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे, जबकि चौथे पर है नेमार, और नेमार जो है ब्राजील के फुटबॉलर है, ब्राजील के फुटबॉलर है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। चलिए, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारत के हैदराबाद में आयोजित फार्मूला ई प्रिक्स जीत लिया। फार्मूला ई प्रिक्स जो 2023 में अभी हुआ है, और ये पहला ही है, ये कौन सा है, पहला है, पहली बार भारत में शुरू हुआ, और कहां हुआ, जो कोई ये प्रश्न नहीं बनेगा कि भारत में अभी हाल ही में शुरू हुआ फार्मूला ई प्रिक्स, है ना, का खिताब जो है किसने जीता और ये कहां हुआ। ये हैदराबाद में हुआ, ये पहली बार हुआ फार्मूला ई प्रिक्स, और उसको जीता किसने, जिसको जीता जीन एरिक बर्गने ने जीती है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इस फार्मूला ई प्रिक्स को जो हैदराबाद में हुआ जीन एरिक बर्गने ने जीत लिया है। महत्वपूर्ण बात है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। भारत में फार्मूला की पहली रेस जीती है जीन एरिक बर्गने ने, और फार्मूला की भारत में पहला है इनका, इन्होंने अब तक कुल 11 फार्मूला वन रेस जीता है। भारत में पहली बार फार्मूला ई रेस की मेजबानी हैदराबाद में की है, याद रखिएगा। हैदराबाद ई प्रिक्स फार्मूला 2023 कैलेंडर में चौथी रेस है, जिसमें पहले मेक्सिको सिटी में 9वां, पहला और त्रिया सऊदी अरब में 2 रेस होगी, है ना, और ये पहला है, तो पहला हैदराबाद में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, है ना, ये बात याद रखिएगा, फार्मूला वन रेस। हुंडई मोटर्स ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हुंडई मोटर्स इसकी गाड़ियां आती है, तो हुंडई मोटर्स ने किस महिला क्रिकेटर को बनाया है, तो अभी 3 पहले से हो चुकी थी और 2 हो गए, रेणुका ठाकुर और यास्तिका भाटिया, तो इसका सही हो जाएगा उत्तर सी, वो ताल देव, है ना। अब रेणुका ठाकुर और यास्तिका भाटिया 2 नया बनाया गया, इसके पहले 3 को पहले से बनाया, शेफाली वर्मा स्मृति मंधना और जेमिमा रोड्रिगेज, ये 3 खिलाड़ी पहले से इनके ब्रांड एम्बेसडर थी, 2 और आ गए, कुल हो गए 5। तो रेणुका ठाकुर और यास्तिका भाटिया 2 और बना लिए गई हैं, किसकी, हुंडई मोटर्स ने, है ना, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा ये ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, हुंडई मोटर्स ने यास्तिका भाटिया रेणुका सिंह ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब भाटिया और ठाकुर पहले संयुक्त ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ शामिल हो गई, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुंडई मोटर्स का मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में है, 6 मई 1996 को बना था हुंडई मोटर्स, 6 मई 1996 को गुरुग्राम में स्थापित हुआ था, 1996 को गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, गुरुग्राम में है, ये बात भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो जाएगा रीजनल क्षेत्रीय प्रश्नों के लिए, ये हो सकता है कि कहां पर इसका जो है मुख्यालय है, सारी बातें तो आप याद रखिएगा। और देखें, शेफाली वर्मा ने अंडर 19 T20 महिला
क्रिकेट वर्ल्ड कप की कप्तान थी जो भारत ने जीता है, पहला हुआ, पहली बार भारत ने जीता अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप जो हुआ है साउथ अफ्रीका में, तो उसमें आप देखेंगे शेफाली वर्मा ने जीता और ये कप्तान थी, तो भारत पहली बार हुआ, पहली बार ही भारत ने जीत लिया। किसने बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2021 में स्केल मॉडल के हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर 42 के डिजाइन को लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा बेंगलुरु में आयोजित हुआ था एयरो इंडिया 2023, ये भी महत्वपूर्ण है। एयरो इंडिया 2023 का आयोजन कहां हुआ, सीधा प्रश्न हो जाएगा, बेंगलुरु में ये प्रश्न मैं पहले करवा चुका हूं, लेकिन वहीं पर स्केल मॉडल के लिए हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर 42 का डिजाइन लॉन्च किया गया है ना, तो किसने लॉन्च किया, किसको लॉन्च किया, हाल HAL का पूरा नाम क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा हाल का पूरा नाम क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक तरीके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, यहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, FTL FT42 को पहली बार एयरो इंडिया में प्रदर्शित किया जा रहा है ना, एयरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण में इसको लॉन्च किया गया, और एयरो इंडिया 2023 जो है ये जो है इसका 14वां है ना संस्करण, तो एयर इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन बेंगलुरु, और बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है, यहां पर लॉन्च किया गया, याद रखिएगा जो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था, और एयरो इंडिया 2023 की थीम थी 1 अरब अवसरों के लिए रनवे, बहुत महत्वपूर्ण होगा। एयरो इंडिया का पहला संस्करण 1996 में आयोजित किया गया था, एयरो इंडिया का पहला 1996 में इसका आयोजन हुआ था, तब से होता रहा है, और इस बार 14वां संस्करण था। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, तो नीति आयोग है ना इसके सीईओ की बात करना, और नीति आयोग जो भारत का एक थिंकटैंक संस्था है, इसके सीईओ बने हैं BVR सुब्रमण्यम, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, BVR सुब्रमण्यम नए सीईओ, इनको नियुक्त किया गया परमेश्वरन अय्यर की जगह, परमेश्वरन अय्यर की जगह नियुक्त किया गया कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसको इनको नियुक्त किया है ना, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं है ना, तो नए सीईओ नीति आयोग में BVR सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर कहां चले गए, तो परमेश्वर इनको 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है, परमेश्वरन अय्यर को 3 साल के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यहां पर किनको, विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक, विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है ना इनको, परमेश्वरन अय्यर को, यह बात ध्यान रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी है ना, 15 को नई दिल्ली में, और यह एक क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है, यह भी याद रखना आपको, गैर संवैधानिक निकाय है ना, जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बनाया है, ये संविधान में नहीं है, नीति आयोग, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी इसके अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा, सुमन के बेरी क्या है, उपाध्यक्ष है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं है ना, तो ये ध्यान रखिएगा नीति आयोग, और नीति का पूरा नाम क्या है, NITI, नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का पूरा नाम है, ये भी याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
चलिए अजय बंगा का नाम देख रहे हैं, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष नामित किए गए हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं, तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए प्रश्न आ गया, कार्यकारी निदेशक किसका? विश्व बैंक का। किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा बी, परमेश्वरन अय्यर। इसका सही जवाब है परमेश्वरन अय्यर, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक में शामिल कर लिया गया तीन साल के लिए नियुक्त हुए हैं, नियुक्त हुए हैं ये। और सरदार अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष नामित किए गए हैं किसके द्वारा? जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन के द्वारा नामित किए गए हैं। तो ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गया परमेश्वरन अय्यर, 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए। ये बात याद रखिएगा, परमेश्वरन अय्यर राजेश खुल्लर की जगह नियुक्त हुए, जबकि राजेश खुल्लर पहले काम कर रहे थे, अब परमेश्वरन अय्यर इनकी जगह काम करेंगे। अरुणा कंबोज यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। संयुक्त राष्ट्र की भारत में अस्थायी प्रतिनिधि है, ये ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है अरुणा कंबोज, सरदार अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी, विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नामित हो गए, परमेश्वरन अय्यर विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए। तो सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के बारे में जानिए, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत इनकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। मैं बराबर इसको बताते रहता हूं, आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इस विश्व बैंक के बारे में अगला प्रश्न देखिए, किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, है ना, किस महीने के लिए? यहां ध्यान देना जनवरी के लिए, तो जनवरी के लिए है ना महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया है वो चुना गया है ग्रेग स्टीवेंस को। बी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रेग है ना स्टीवेंस को चुना गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और ग्रेग स्टीवेंस कहां की खिलाड़ी है? ग्रेग स्टीवेंस कहां की खिलाड़ी है? तो ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है। इंग्लैंड की अंडर 19 महिला कप्तान ग्रेग स्टीवेंस यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी बन गई है। इंग्लैंड की अंडर 19 कप्तान ना? और यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला, सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, तो इंग्लैंड की है ग्रेग। अच्छा जनवरी महीने के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है ना, तो यहां ये भी ध्यान रखिएगा। जनवरी मंथ के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को ये ध्यान, जनवरी मंथ के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को चुना गया है, खिलाड़ी को ये चुना गया है शुभमन गिल,
शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल को चुना गया है, याद रखिएगा शुभमन गिल को। तो महिलाओं में क्रिस स्क्रीवेंस को जबकि पुरुषों में शुभमन गिल को जनवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों ही यहां पर ये याद रखिएगा। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यूनेस्को के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है, यूनेस्को के शांति पुरस्कार से। सही जवाब हो जाएगा सी, एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को जो है अच्छे कार्य करने वाले लोगों को शांति पुरस्कार से सम्मानित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में अवश्य आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को के बारे में जानने को मौका मिलेगा आपको, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये लगातार आपको पढ़ते रहना चाहिए, ये लगातार आपको पढ़ते रहना चाहिए। यूनेस्को शांति पुरस्कार के लिए जिस सम्मानित किया गया है, जर्मनी की पूर्व चांसलर है ना, उन्होंने 12 जर्मनी में 12 लाख से अधिक प्रवासियों का स्वागत करने के लिए उनके फैसले के लिए पुरस्कार दिया गया है। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर है, जर्मनी की पूर्व चांसलर है, जर्मनी में 12 लाख प्रवासियों का, प्रवासियों को रहने की इजाजत दिया था, रहने की इजाजत इजाजत दी थी, इसलिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, बहुत ही परीक्षा में एकदम डायरेक्ट आएगा, है ना, परीक्षा में डायरेक्ट आएगा। 2005 के राष्ट्रीय मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी और 2014 तक चौथी और आखिरी बार जर्मनी की चांसलर बनी। 2005 से 2014 तक ये चांसलर रही थी लगभग 10 सालों तक। चलिए ध्यान रखिए, यूनेस्को के बारे में बताइए, यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय स्थापना 1945-46 में हुआ था, मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस। इनके हेड का नाम आप लोग बताइए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। यूनेस्को UNESCO, अभी पिछले करंट डिफेंस में मैंने डिटेल में बताया था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, चाहिए बताना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसे महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार का महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है, किसको किया गया है महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका जो सही जवाब होगा वो जाएगा अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह बात याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, और यहां के राज्यपाल नए बने हैं, राज्यपाल को याद रखेंगे, राज्यपाल से रमेश बैस, रमेश बैस सीएम है यहाँ के महाराष्ट्र के, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, लोनार जी महाराष्ट्र जो कैडर थे, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्न के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक अवश्य करें।